नेप्रा ने बिजली की कीमतों में 1.66 रुपये फी यूनिट महंगाई करने का फैसला कर लिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत किया गया, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 22.60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा नवंबर के बिलों में सार्फिन से वसूल किया जाएगा। नेप्रा ने बिजली की कीमतों में 1.66 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमतों में इजाफा अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 22.60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से अली रियाज ने और बहावलपुर से हमें ज्वाइन किया है महमूद जहीर ने। सबसे पहले रुख करेंगे महमूद जहीर का। जी महमूद, कहिएगा, आवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं, क्या तफसीलात हैं? हमारे साथ अंजुमन ताजरान के लोग भी मौजूद हैं। नेप्रा ने जो हालिया ही कीमतों में इजाफा किया है उसके हवाले से हम लोग इन लोगों से जानेंगे। जी, नेप्रा ने एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है, पहले ही इतनी महंगाई थी, क्या कहेंगे? लाजमी बात है कि रोज बर रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आवाम हुकूमत के साथ तो है लेकिन हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। आखिर कहाँ तक आवाम साथ देगी, कारोबार है नहीं, फिर आगे महंगाई भी आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो आवाम का कुछ ख्याल तो करना पड़ेगा। आप आवाम का ख्याल करना पड़ेगा। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर हैं हमारे साथ निसार शाह साहब, आप बताइएगा क्या महंगाई में फिर से इजाफा नहीं हो जाएगा बिजली कीमतों में इजाफा? नेप्रा ने जो अभी 1.69 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट में जो इजाफा किया है, ये ताजर बरादरी के मफाद में और मुल्की मफाद में किसी तौर पर भी नहीं है, और ताजर बिरादरी इस इजाफे को यकसर मुस्तरद करती है। और मैं चूंकि समझता हूँ दुनिया में फ्यूल की कीमतें या स्टेबल हैं या कम हो रही हैं, तो कोई जवाब नहीं है ये हालिया बिजली की कीमत में इजाफे का। हुकूमत को ये इजाफा फौरी तौर पर ना सिर्फ वापस लेना चाहिए बल्कि आवाम को अगर मजीद रिलीफ देंगे बिजली की मद में, तो एक्सपोर्ट्स या जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन हो रही हैं उसकी कॉस्ट कंपेटिटिव हो जाएगी पूरी दुनिया में, और एक्सपोर्ट करना उनके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये ना अवामी मफाद में है, ना ताजर मफाद में है, ना मुल्की मफाद में है। हुकूमत से, इमरान खान साहब से मैं मतालबा करता हूँ कि अब बहुत कुछ हो गया, मेहरबानी करके इस रविश को चेंज करें और अवाम को रिलीफ देना शुरू करें, इंडस्ट्री को रिलीफ देना शुरू करें और ताजर बरादरी को रिलीफ देना शुरू करें। बिजली कीमतों में इजाफा, कहीं महंगाई रुकेगी या नहीं रुकेगी? लोगों से ही सुने तो ज्यादा बेहतर, कहीं महंगाई देख रहे हैं रुकती हुई? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये जो सिलसिला पिछले 1-1.5 साल से चला है जब से इमरान खान साहब आए हैं, हम तो यही देख रहे हैं कि रोज बरोज महंगाई होती जा रही है, और इससे जो है ना एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती जा रही है कि हमारा फ्यूचर का क्या बनेगा या हमारे बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा। मीन्स के मंथली जो है, पहले वो जो बिल आते थे वो 10,000 में 12, अब वो 20-25,000 से एक्सीड ही करते जा रहे हैं। कोई लगता नहीं है कि कहीं जाके ये रुकेंगे, बल्कि रोज बरोज ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इसको जो है ना एक इसका सिस्टम बनाया जाए, ये इतने ज्यादा बिल हम कहाँ से पे करेंगे, रिलीफ देनी चाहिए इनको। और पूरी दुनिया में आप कहीं भी देख लें, ताजिर बरादरी को या जो जिम्मेदार हैं उन लोगों को रिलीफ देते हैं, यहाँ पे जो है वो सारा बर्डन जो है वो ताजरों पे और इन लोगों पे डाला, सारा बर्डन ताजरों पर और आवाम पर डाला जा रहा है। हुकूमत कहीं रिलीफ देती नजर नहीं आ रही। महमूद जहीर, आप हमें बहावलपुर की आवाम के तासरात से अपडेट कर रहे थे, रुख करेंगे अली रियाज का जो कि मुल्तान में मौजूद है। जेली रियाज, कहिएगा, बिजली की कीमत फी यूनिट के हिसाब से 1.66 रुपये मजीद महंगी कर दी गई है, मजीद बढ़ा दी गई है, इस पर अवामी तासरात क्या है मुल्तान में? जी, आवाम जो खासी परेशान नजर आ रही है क्योंकि हुकूमत वक्त की जानिब से एक बार फिर जो महंगाई का जो बम है वो गिरा दिया गया है। फिर यूनिट 1.66 रुपये इजाफे के बाद बिजली तो महंगी होगी, लेकिन इसके साथ साथ आम लोगों की जिंदगी में किस तरह तक मुश्किल होगी, शहरी से जानते हैं उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा बुजुर्गवार, बिजली कीमत में इजाफा कर दिया गया है, क्या लगता है गुजारा कैसे होगा? सर, गरीब बंदे आगे आगे इतनी महंगाई है, गुजारा नहीं होता, इतनी बिजली महंगाई है तो फिर बिजली चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा गरीब बंदे क्या कर सू, निके निके बच्चे हैं, नहीं बिजली भर सकते, 8,000 बिल आ जाते, 10,000-15,000 बिल आ जाए तो भर नहीं सकते, काफी मुश्किल सामना करना पड़ा। कुछ और शहरी मौजूद हैं, आप बताएगा हुकूमत वक्त की जानिब से फिर दोबारा से जो बिजली का फी यूनिट 1.66 रुपये इजाफा कर दिया गया है, किस तरह गुजारा होगा? इस तरह बहुत मुश्किल है, पहले भी बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, अब जो बिजली फिर महंगाई का हो रही है 1.66 रुपये की वजह से हमारे तो तकरीबन बहुत मुश्किल से गुजारा हो जाएगा। पहले गैस के बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल, मजदूर बंदे, हम इतने बिल कहाँ से पे करेंगे?
मजदूर लोग कहाँ से इतने बिल पे करेंगे, पहले से इतनी महंगाई है, अशिया कुर्दो नोट से लेकर तमाम तो जो चीजें उनकी कीमतों को पर लगते जा रहे हैं। शहरी को कहना काफी मुश्किल सामना करना पड़ा, कुछ और शहरी मौजूद है उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे। आप बताएगा बिजली महंगी हो जाएगी, क्या लगता है और चीजें भी महंगी होगी इससे, और गुजारा किस तरह करेगा, घर का गुजारा किस तरह होगा आपके? बहुत मुश्किल हो जाएगा घर का गुजारा, बिजली महंगी होने से गरीब आदमी क्या करेगा, बहुत मसला बन जाएगा। मसला बन जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाए। हुकूमत वक्त की जानिब से ये जो फैसला किया गया है, काफी यहाँ पर हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया है। आवाम परेशान है, ताजिर भी परेशान है, कहते हैं कि हम किधर जाएं, आवाम को कब रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से, जबकि दूसरी जानिब भावलपुर से हमें अपडेट कर रहे थे महमूद जहीर, दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया।